बीसीसीआई ने आईपीएल के 13वें सीजन के पूरे कार्यक्रम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। क्रिकेट फैंस को लंबे समय से आईपीएल 2020 के शेड्यूल का इंतजार था। बीसीसीआई ने रविवार 6 सितंबर को आईपीएल के 2020 के सीजन के फुल शेड्यूल को सार्वजनिक किया है। हालांकि अभी भी बीसीसीआई ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की कि आईपीएल के सीजन का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा। आईपीएल के क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर और फाइनल मैच को लेकर बीसीसीआई ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। फाइनल मुकाबला वैसे तो 10 नवंबर को खेला जाएगा, लेकिन बीसीसीआई ने बाकी क्वालिफायर्स मुकाबलों की तारीख, समय और जगह के बारे में जानकारी नहीं दी। इस बारे में बोर्ड ने कहा कि इस बात का ऐलान आईपीएल 2020 के बीच में किया जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी को भी सार्वजनिक कर दिया है कि शुरुआत में आईपीएल में दर्शकों के आने की अनुमति नहीं है। आईपीएल 2019 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस का सामना 19 सितंबर को पहले मैच में पिछले साल की उपविजेता सीएसके के साथ होगा। पहला मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। यह मुकाबला अबूधाबी में खेला जाना है। दूसरा मैच रविवार 20 सितंबर को दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच दुबई में खेला जाएगा। वहीं तीसरा मैच 21 सितंबर को हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। 22 सितंबर को शारजाह में पहला मैच राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। बीसीसीआई ने आईपीएल के आयोजन समिति के साथ मिलकर इस बात को पहले ही तय किया हुआ था कि आईपीएल के मैच पहले की अपेक्षा थोड़े जल्दी शुरू होंगे। आईपीएल के मुकाबले अभी तक भारतीय समय के अनुसार दोपहर 4 बजे से रात को 8 बजे के बीच शुरू होते थे, लेकिन इस बार आईपीएल का आयोजन यूएई में होने जा रहा है। ऐसे में टाइमिंग को देखते हुए बीसीसीआई ने फैसला किया है कि दोपहर के मैच 3:30 बजे और शाम के मैच 7:30 बजे शुरू होंगे। यूएई में उस समय टाइम 1.5 घंटे पहले से होगा। अब आपको पूरा शेड्यूल बताते हैं। 19 सितंबर यानी शनिवार को पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। 20 सितंबर को रविवार दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच होगा। 21 सितंबर को सोमवार को तीसरा मैच सनराइज हैदराबाद और आरसीबी के बीच होगा और 22 सितंबर को मंगलवार चौथा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। 23 सितंबर को बुधवार को पांचवा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच होगा। 24 सितंबर गुरुवार को छठा मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और आरसीबी के बीच होगा। 25 सितंबर शुक्रवार को सातवां मुकाबला सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स। 26 सितंबर को शनिवार को आठवां मुकाबला केकेआर बनाम सनराइज हैदराबाद होगा। 27 सितंबर रविवार को नौवां मुकाबला राजस्थान बनाम किंग्स इलेवन पंजाब होगा। 28 सितंबर को सोमवार 10वां मैच होगा आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस। 29 सितंबर को मंगलवार यानी 11वें मैच के रूप में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइज हैदराबाद आमने सामने होंगे। 30 सितंबर यानी बुधवार को 12वां मैच होगा जिसमें राजस्थान रॉयल्स बनाम केकेआर की टीम आमने सामने होंगी। 1 अक्टूबर को 13वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच गुरुवार को होगा। 2 अक्टूबर को शुक्रवार को 14वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच होगा। 3 अक्टूबर को शनिवार को 15वां मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। 3 अक्टूबर को ही रात को 16वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच होगा। 4 अक्टूबर को रविवार को 17वां मैच मुंबई इंडियंस बनाम सनराइज हैदराबाद के बीच में होगा। 4 अक्टूबर को रविवार को शाम को किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। 5 अक्टूबर को 19वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। 6 अक्टूबर मंगलवार को 20वां मैच मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। 7 अक्टूबर को बुधवार को 21वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। 8 अक्टूबर को 22वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब बनाम सनराइज हैदराबाद के बीच होगा। 9 अक्टूबर शुक्रवार को 23वां मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स होगा। 10 अक्टूबर को शनिवार को 24वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और केकेआर के बीच होगा। 10 अक्टूबर को ही 25वां मैच शनिवार की रात को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। 11 अक्टूबर को 26वां मैच राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइज हैदराबाद होगा। 11 अक्टूबर रविवार को ही 27वां मैच मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स होगा। 12 अक्टूबर सोमवार को 28वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और केकेआर के बीच होगा। 13 अक्टूबर मंगलवार को 29वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच होगा। 14 अक्टूबर को 30वां मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का होगा। 15 अक्टूबर को 31वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब का होगा। 16 अक्टूबर को 32वां मैच मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में होगा। 17 अक्टूबर को 33वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स होगा। 17 अक्टूबर को शनिवार को 34वां मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। 18 अक्टूबर रविवार को 35वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइज हैदराबाद के बीच में होगा। 18 अक्टूबर रविवार को ही 36वां मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में होगा। 19 अक्टूबर सोमवार को 37वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा। 20 अक्टूबर को 38वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब में होगा। 21 अक्टूबर को 39वां मैच आरसीबी बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। 22 अक्टूबर गुरुवार को 40वां मैच राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइज हैदराबाद के बीच में होगा। 24 अक्टूबर को 42वां मैच दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। 24 अक्टूबर शनिवार को 43वां मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब बनाम सनराइज हैदराबाद होगा। 25 अक्टूबर रविवार को 44वां मुकाबला आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स होगा। 25 अक्टूबर को रविवार 45वां मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स होगा।
26 अक्टूबर सोमवार को 46वां मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स होगा। 27 अक्टूबर मंगलवार को 47वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में होगा। 28 अक्टूबर बुधवार को 48वां मुकाबला आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस होगा। 29 अक्टूबर गुरुवार को 49वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स होगा। 30 अक्टूबर शुक्रवार को 50वां मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा। 31 अक्टूबर शनिवार को 51वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस होगा। 31 अक्टूबर शनिवार को 52वां मुकाबला आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद होगा। 1 नवंबर रविवार को 53वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब होगा। 1 नवंबर रविवार को 54वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स होगा। 2 नवंबर को सोमवार 55वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। 3 नवंबर को मंगलवार को 56वां मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद होगा। कुल मिलाकर यहां पर सभी टीमें जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। अब देखना होगा कि यहां पर बेहतरीन तरीके से कौन सी टीम टूर्नामेंट उठाती है। हालांकि अभी फिलहाल क्वालिफायर्स का यहां पर नाम सामने नहीं आया है और मुकाबले कहां होंगे ये भी सामने नहीं आया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये लीग खेली जाएगी, लेकिन इन सवालों का जवाब मिल चुका है क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसा दबाव नहीं देखा जाएगा। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।